जो वहाँ का कॉन्सेप्ट है चंबल का, मतलब मध्य प्रदेश में जो डाकू जैसे यहाँ जो नक्सलाइट एरिया है ना, तो उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया है। और अभिषेक सर ने मतलब देखा जाए तो एक एक सीन बहुत प्यारा मतलब शूट किए हैं। वहाँ का जो पहाड़ी है और भी मतलब लोकेशन जो है बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है, बकवास फिल्म है, काफ़ी अच्छी मूवी लगी मुझे। कोई एंटरटेनमेंट कुछ भी नहीं है, नहीं लैंग्वेज मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी थोड़ी मतलब आज के ज़माने से मिल रही थी, पूरी प्रॉपर लैंग्वेज मुझे नहीं लग रही थी, कुछ बातें मुझे समझ में भी नहीं आ रही थी, लेकिन बहुत ही अच्छा था मूवी। एंटरटेनमेंट, अगर एंटरटेनमेंट देखा जाए कमर्शियल मूवी नहीं है, आर्टिस्टिकली मूवी है। अगर आप अच्छे से देखें तो ये आर्ट के बेसिस से ये बहुत अच्छी मूवी है, सबकी अच्छी है। मनोज वाजपेयी जी तो अच्छा ही करते हैं, महेश बलराज जी ने बहुत अच्छा काम किया है, एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, फैंटास्टिक, दे आर ट्रेमेंडस। और मनोज वाजपेयी सर है वन ऑफ द बेस्ट। सुशांत ने भी काफ़ी अच्छी एक्टिंग करी है, और आशुतोष राणा है, भूमि पटेल, सब ने बहुत अच्छी एक्टिंग करी। इनफैक्ट जो छोटे मोटे जो कैरेक्टर्स हैं उनकी भी एक्टिंग बहुत अच्छी है अगर आप देखें। सुशांत बिल्कुल बनाए, अब उनके साथ इतने बड़े स्टार मनोज वाजपेयी के साथ, जो मनोज वाजपेयी के खास आदमी होते हैं वो सुशांत सिंह राजपूत होते हैं, और दोनों ने एक्टिंग मतलब अपने तो मनोज वाजपेयी तो हैं ही सबसे बेस्ट, फिर सुशांत सिंह राजपूत अपने, उन्होंने लास्ट तक जो खींचा है मूवी को बांध के रखा है। वैसे तो सबसे नंबर वन जो आते हैं वो मैं एक्टर हूँ और मैं सीखता हूँ उनसे, मनोज वाजपेयी सर हैं और आशुतोष राणा सर हैं और सुशांत सिंह राजपूत, भूमि पेडनेकर जो आज के ज़माने के एक्टर हैं तो वो पहले के ज़माने के कैरेक्टर कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत यूनिक कर रहे हैं, बहुत रियलिस्टिक कर रहे हैं। वो अच्छे एक्टर हैं लेकिन यहाँ पे तो वेस्ट हो गए। भूमि जी एकदम बिल्कुल उनको तो एकदम नेचुरल वहीं के लगते हैं। और वो जो लड़की है ना काली काली सी, वो पता नहीं कौन है, वो फूलन देवी का जो रोल किया है उसने बहुत कमाल का किया। सब एक से एक हमारे एक्टर हैं जो भी हैं, सब मतलब मंडी हाउस और बाकी जो साथ वाले भी हैं सारे मंडी हाउस के मंझे एक्टर हैं। म्यूजिक अच्छा है, मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक जो वहाँ का है, ठेठ जो होता ना पहाड़ी, वो बहुत कमाल का है। म्यूजिक भी अच्छी है, स्टोरी अच्छी है, एक्टर्स काफ़ी अच्छे हैं, डायरेक्टर तो वहीं। कोई एंटरटेनमेंट नहीं, गाने नहीं है, डायलॉग कुछ खास, म्यूजिक कुछ खास तो है नहीं इसमें, बस एक सोन चिनिया करके एक टाइटल सॉन्ग है, स्लो म्यूजिक है, और तो कुछ म्यूजिक में खास है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डायरेक्शन बहुत अच्छी है, एक एक चीज़ काफ़ी क्लैरिटी के साथ उन्होंने दिखाया है, बहुत अच्छी है। वो 50 साल पुरानी जो स्टोरी है वो आज के ज़माने में टूट नहीं होती। गद्दी यही है भाई, वो चंबल के ऊपर बेस्ड है, जो पहले के ज़माने में जो चंबल में होता था उसी का माहौल दिखाया कि क्या होता था। अर्बन सिटी के लोग तक ये उतनी अच्छे से नहीं पहुँच पाएगी क्योंकि वहाँ का लैंग्वेज थोड़ा अलग टाइप से दिखाया गया है, वो गुजरों का जो लैंग्वेज है, तो ये रीजनल लैंग्वेज को जोड़ा गया है, तो लोगों तक वो डायलॉग उतना अच्छे से नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन हाँ मोस्टली आजकल तो सब लोग इतना टीवी सिनेमा है तो लोग सीखते ही हैं, जानते ही हैं, तो ऑब्वियसली जाएगा। और अभिषेक सर को धन्यवाद, बहुत अच्छी फिल्म बनाए हैं, सब लोग देखिए, मज़ा लीजिए, बहुत अच्छा है। स्टार्टिंग के जो 2-3 मिनट से आपको समझने में टाइम जाएगा, पर आप फिर समझने लग जाओगे, और नीचे इंग्लिश में भी सब कुछ लिखा आ रहा है तो कन्फ्यूज़न नहीं है, आप देख सकते हो। मैसेज यही है कि हम लाख कितना बुरा कर लें, लास्ट में हमें खुद अपने अंदर से ना दिल से आता है कि पश्चाताप करना चाहिए, इसका कुछ अच्छा काम करना चाहिए। बुरे काम करने के बाद भी एक अंदर से दिल होता है ना, कितना भी पत्थर दिल है वो मोम बनता है। 1/5 आउट ऑफ 4.5 4.5 4 स्टार 4 स्टार।